तो कैसे हैं आप? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। नहीं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है हमारी हाउ टू डू हेडशॉट। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रैंडपा भाई हेडशॉट कैसे मारना है, मुझे ये बताओ हेडशॉट मारने का तरीका क्या है, हम ड्रैग किस तरफ करें या ड्रैग कैसे करें। तो मैं आज तुमको एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप हेडशॉट ईजिली मार पाएंगे। एंड हाँ गाइज, आवाज़ के लिए सॉरी क्योंकि मेरा गला एकदम बैठा हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मुझे सर्दी हो चुकी है। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी हालत ख़राब है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना एंड मुझे माफ़ करना। चलिए हम बात करते हैं हमारी वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज़, क्योंकि उससे आपके पास मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो में जो हमारा सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी सेंसिटिविटी आपको क्या रखनी है हेडशॉट मारने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी डेजर्ट ईगल वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पर भी आपको क्लियर करा था कि आपको एग्जैक्टली सेंसिटिविटी रखनी क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपका फोन 2GB रैम का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, 2GB हो 3GB, आपको अपना जनरल हमेशा 100 रखना, उससे आपके फोन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका फोन लैग करता है तो आपको अपने रेड डॉट को थोड़ा सा कम कर लेना है, बट इतना भी नहीं, 80 या 100 के बीच में रखना है, 80 से कम गलती से भी मत करना, ठीक है? ये आपका हेडशॉट मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए ये तो हो गई हमारे सेंसिटिविटी की बात, अब मैं आपको बताता हूँ ड्रैग करना कैसे। मैंने बहुत से लोगों को देखा वो करते क्या, किसी फायर बटन को प्रेस करके रखते या इधर उधर घुमाते रहते हैं, बिल्कुल मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये देखो, मतलब मैं बंदे को देखा नॉर्मल फायर बटन पर प्रेस करके रखते, भाई ऐसे हेडशॉट नहीं पड़ते। आपको करना क्या है कि अपने फायर बटन उसको ड्रैग करना है, मैं आपको वो भी बताऊँगा ड्रैग करना कैसे। भाई ये देखो, एक बंदा तो ऐसा था कि जो ऐसे ड्रैग करता था, बताओ उसको मैं क्या ही बोलूँ। म्यूजिक अब मैं आपको बता दूं कि आपको फायर बटन को ड्रैग करना कैसे। आपको तीन तरीके से ड्रैग करना है अपने फायर बटन को, वो मैं आपको अलग अलग करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, आपको जब बंदा सामने से तो आ रहा है तो आपको आ रहा है या जा रहा है तो आपको नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करना है। ये देखो, फायर बटन को पकड़ना है और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है इस तरीके से, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको नॉर्मल सा स्ट्रेट ड्रैग करना है। और हाँ, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, सपोज आपके बंदे लेफ्ट में आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से जा रहा है या राइट साइड से आ रहा है या जा रहा है, सपोज कि बंदा अगर लेफ्ट से जा रहा है तो आपको करना क्या, लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देना है ऐसे, कुछ भी नहीं करना है, फायर बटन पे दबा के रखना है और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देना है। देखो ये लेफ्ट में ऐसे, राइट में ऐसे और सीधे ऐसे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे एक साइन बना के बताता हूँ तीनों तरफ का, तो आपको इस तरीके से ड्रैग करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? एंड हाँ, आपको यहाँ पे कुछ भी रोटेशन ड्रैग वगैरह नहीं करना है, एक नॉर्मल वे से आपको ड्रैग करना है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। जब सीधा आ रहा है बंदा या जा रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग, अगर लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में ड्रैग और राइट में ड्रैग, ठीक है? इस चीज़ का आपको ईजिली तरीके से ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको पता चल चुका है कि आपको अपनी सेंसिटिविटी क्या रखनी है, किस तरीके से ड्रैग करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ जिसका बहुत ही ज़्यादा बंदों का डाउट रहता है कि आपको ड्रैग कितना करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली समझा देता हूँ कि आपको ड्रैग कितना करना है। बंदा लेफ्ट में जा रहा हो, राइट में जा रहा हो, चाहे सीधा आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको इस लाइन तक ड्रॉ करना है, इससे ज़्यादा कहीं भी ड्रॉ मत करना है, ठीक है? इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक लाइन है, इस तक ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? इस लाइन को आप अपने दिमाग के अंदर रख के रखना। तो ये थी आज की हमारी वो ट्रिक, तो जो आपको जिस चीज़ का बताया, तो आपको टोटल तीन
चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको सेंसिटिविटी बताई थी कि आपको क्या रखनी है, और आपको ड्रैग किस तरीके से करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एंड आपको कितना ड्रैग करना है ये भी मैंने आपको आज अच्छे से समझा दिया। तो आपका हेडशॉट की तकलीफ तो बिल्कुल ही दूर हो जानी चाहिए। अब आप जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, गारंटी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे हेड लगने वाले। एंड हाँ गाइस, आज की वीडियो थोड़ा छोटा रख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए सॉरी मैं आपको बोल नहीं पा रहा। एंड जो भी अभी चैनल पर नया है प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ तो शेयर बिल्कुल ही करना। एंड जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। एंड जल्दी से 3K सब्सक्राइबर्स करवा दो, क्योंकि 3K सब्सक्राइबर्स के बाद मैं लाइव करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से हम मस्ती करने वाले हैं हम सब मिलके। तो चलिए सभी अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। I'm gonna go get some more.